आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर्स वाली वीडियो पर आप सबका रिस्पांस काफी अच्छा रहा और कमेंट में आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट टू लाने के लिए भी कहा। तो चलिए हम हाजिर है आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों के इतिहास पर दूसरी वीडियो लेकर के। तो कारवां बढ़ता चला गया, मैच होते गए, साल बीतते गए और आईपीएल भी होते गए, लेकिन सबसे कीमती खिलाड़ी का टैग एक दो धारी तलवार बनकर या तो टीमों को बर्बाद कर गया या कभी कभार आबाद कर गया। खिलाड़ी बदलते गए और रकम बदलती गई, मगर नहीं बदला तो वो सस्पेंस, नहीं खत्म हुआ तो वो खतरा, या तो सब कुछ या फिर कुछ नहीं। देखते ही देखते 8 सीजन बीत गए, जिस पर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वहां आपको 2008 से लेकर 2015 तक के आईपीएल तक की हिस्ट्री से रूबरू करवाया, किसने क्या कारनामे किए और किसने क्या गुड़ गोबर किया, इन सब पर बराबर चर्चा हुई। मगर आईपीएल यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी तो नया ट्विस्ट आना बाकी था। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सेकंड हाफ की ओर, साथ ही जानते हैं खिलाड़ियों का कैसा मिजाज रहा। आईपीएल 2016, इस बार का एक्सपेंसिव प्लेयर जाने से पहले ही अधिकतर फैंस शॉक में थे, क्योंकि इनकी दो चहेती टीमों को बैन कर दिया गया था। दरअसल 2015 आईपीएल के बाद एक हैवी फैन बेस वाली फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स और पहले सीजन की विजेता राजस्थान रॉयल्स को 2 साल का बैन लग गया था, क्योंकि इन टीमों के कुछ ऑफिशियल्स बैटिंग और कई गैर कानूनी गतिविधियों में दोषी पाए गए थे। ऐसे में 2 साल के लिए दो नई फ्रेंचाइजी टीमें बनी, एक थी गुजरात लायंस तो दूसरी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। अब क्योंकि अपनी अपनी टीम तो सबको बनानी ही थी, लेकिन दोनों को नए सिरे से प्लेयर्स चुनने थे, तो बस फिर खेल शुरू हुआ। लेकिन यहाँ आरसीबी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हरफनमौला खिलाड़ी को सबसे महंगा खरीदा, शेन वाटसन, जिन्हें 9.5 करोड़ में आरसीबी ने अपनी टीम में लिया। अब गेंद से तो इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, 16 मुकाबलों में 20 विकेट झटके, जो कि इनके करियर का बेस्ट सीजन दर्शाती है। लेकिन बल्ले से काम बेहद ठंडा रहा, महज 179 रन बनाए। बतौर बल्लेबाज चाहे मामला फ्लॉप हुआ हो, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। देखा जाए तो इम्पैक्ट इनका अच्छा ही था, आरसीबी फाइनल तक भी पहुंची लेकिन जीत नहीं सकी। आईपीएल 2017, एक और आईपीएल सीजन, और एक बार फिर फोकस था ऑलराउंडर खिलाड़ियों पर, जिनकी अब चांदी ही चांदी होने वाली थी। हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम में दुनिया का बेस्ट प्लेयर चुनना चाहती थी, जो कि तीनों डिपार्टमेंट में धूम मचाए, और इसमें सफल हुई राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, जिसने अपनी टीम में लिया इंग्लैंड के हरफनमौला, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में शुमार बेन स्टोक्स को। अब स्टोक्स पिछले वर्ष T20 फाइनल में बुरी तरीके से जीता मैच हरा करके आए थे, लेकिन कमबैक भी शानदार दिखाया था, जिन्हें पुणे ने 14.5 करोड़ की भारी रकम में खरीदा। स्टोक्स ने निराश नहीं किया और अपने रेपुटेशन के हिसाब से खेलते हुए इस सीजन में 11 मुकाबलों में 316 रन तो बनाए ही, साथ ही 12 विकेट झटक कर एक तगड़ा इम्पैक्ट भी मारा, एक शतक भी जड़ा। इनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर पुणे फाइनल तक भी पहुंचा। हाँ, ये प्लेऑफ में उपलब्ध नहीं थे, इससे इनकी कमी पुणे को काफी खली, वरना सीजन इनके जलवे खूब रहे, फुल पैसा वसूल। आईपीएल 2018 में आखिरकार वो 2 साल का बैन खत्म हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की वापसी हुई, जहां इन्होंने वापस से पार्टिसिपेट किया। गुजरात और पुणे की टीमें गायब हो गई और दोनों ने एक बार फिर नए सिरे से टीम बनानी शुरू की। भले ही साल बदला, टीमें बदली, लेकिन नहीं बदला सबसे कीमती खिलाड़ी। एक बार फिर बैन स्टोक्स, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 14.5 करोड़ में खरीदा, मगर इस बार स्टोक्स में वो बात नहीं दिखी, उन्होंने इस लेवल का परफॉर्म नहीं किया। 13 पारियों में 196 रन ही बनाए और विकेट भी केवल 8 ही निकाले, जो कि इनके प्राइजिंग टैग को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। अब सच कहूं तो राजस्थान को चूना लग गया। 2019 का आईपीएल बेहद ही अजीबो गरीब था, हद से ज्यादा पजल करने वाला, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। जिस खिलाड़ी से सबको उम्मीद थी, उस पर तो किसी ने बेट तक नहीं किया, और जिनके बिकने पर भी सवाल थे, उन पर खूब धन बरसा। अजीब सा ही मजाक हो गया था। एक नहीं, 2 प्लेयर थे सबसे एक्सपेंसिव, एक जयदेव उनादकट, जिन्हें 8.40 करोड़ देकर राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ जोड़ा। इन्हें पिछले साल भी 11.5 करोड़ में राजस्थान ने लिया था, इस बार भाई का बेस प्राइस 1 करोड़ था। अब रकम मोटी हो गई, लेकिन की परफॉर्मेंस बेहद ही खोटी। भाई बॉलर की तरह नहीं, होलसेलर की तरह खेले। 11 मैचों में महज 10 निकाले और रन लुटाए 10.66 की इकोनॉमी से। इनका दबदबा कुछ ऐसा था कि राजस्थान पॉइंट्स टेबल में सेकंड आया, मगर नीचे से, और दूसरे मानुभाव थे तमिलनाडु के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। बहुत नाम हो रहा था इनका, बड़ी हाइप मिल रही थी, बेस प्राइस 20 लाख, मगर फ्लो में आकर पंजाब वालों ने इन पर कुछ ज्यादा ही दिल खोल करके पैसे बहा दिए, 8.40 करोड़। लेकिन भाई ने दिल तोड़ कर सब कुछ चकनाचूर कर दिया। मैच सिर्फ एक खेला, लेकिन वही बेड़ा गर्क कर दिया, पहले ही ओवर में 25 रन। अब इस मैच के बाद इन्हें खिलाया नहीं गया, पंजाब समझ गई थी कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। आईपीएल 2020 में तो हर फैन शौकी हो गया, पहले कोविड से और फिर सबसे महंगे खिलाड़ी से। पैट कमिंस, जिन्हें केकेआर ने 15.50 करोड़ में खरीदा, मगर इतने महंगे थे कि 15 विकेट भी नहीं लिए। 14 मैचों में 12 ही सफलता हासिल की और बल्ले से नीचे कुछ उपयोगी पारियां खेली। एक गेंदबाज की नजर से देखें तो 146 रन ठीक ठाक है, लेकिन ये रन इनके टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाए और ये जनाब अपने प्राइस टैग पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। आईपीएल 2021 तो ठगी की इंतहा हो गई थी,
भाई साहब इतने प्लेयर्स थे ऑक्शन में और हर कोई टैलेंटेड प्लेयर के पीछे भाग रहा था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने 75 लाख के बेस प्राइस वाले अनप्रोटेक्टेबल क्रिस मॉरिस को 16 करोड़ 25 लाख रुपए का अनबिलीवेबल अमाउंट देकर के खरीदा, जो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आरआर ने फ्लो में इन्हें खरीद तो लिया, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया और एडिडास के चक्कर में ये एबीडास निकल गए। उम्मीद लगाई थी कि बंदा टूर्नामेंट जिताएगा, लेकिन एक मैच भी ठीक से नहीं जिताया। 11 मैचों में सिर्फ 67 रन बनाए और नो की महंगी इकोनॉमी से 15 विकेट लिए। पैसे तो पूरे 16 करोड़ 25 लाख लिए, मगर विकेट 16 भी नहीं लिए। आईपीएल 2022 में एक नई रेगुलेशन देखने को मिली। अब तक कुल 8 टीम आईपीएल में खेला करती थी, मगर इस बार दो नई टीमों का भी जन्म हुआ, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। ऊपर से मेगा ऑक्शन भी था। एक बात तो साफ थी कि दबा करके धन वर्षा होनी थी। कई शॉकर देखने को मिलने थे, जहां मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को चेन्नई ने नहीं लिया था। गुप्तल जैसे दिग्गज अनसोल्ड रहे थे, तो ओवरऑल भारतीय खिलाड़ियों का ही बोलबाला था। देखा जाए तो इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे कन्नूर लोकेश राहुल, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17 करोड़ में साइन किया था और अपनी टीम का कप्तान भी बनाया गया था। और कप्तान साहब ने भी काम खींच कर रखा, पूरे सीजन 51 के अवसर से खूब जलवा बिखेरा और 2 शतक 4 अर्धशतकों की बदौलत 616 रन ठोक डाले और लखनऊ को प्लेऑफ्स तक भी पहुंचाया, फुल पैसा वसूल कराया। लेकिन ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी थे ईशान किशन, जिन्हें 15 करोड़ 25 लाख में मुंबई इंडियंस ने वापस अपने साथ जोड़ा। ईशान ने शुरुआत तो धांसु अंदाज में की थी, आतिशी अंदाज में रन बनाए, मगर कुछ अच्छी पारियों के बाद बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। भले ही 14 मैचों में 418 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट महज 120 का, जिसने इन रनों को यूजलेस बना दिया और ये रन मुंबई इंडियंस के भी काम नहीं आए और अपने वर्स्ट सीजन में ये पॉइंट्स टेबल में लास्ट आए। और आईपीएल 2023 यानी बीते हुए सीजन के सबसे कीमती खिलाड़ी थे इंग्लैंड के नटखट और चतुर ऑलराउंडर सैम करन, जो कि अपने दम पर 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जिता करके आ रहे थे। और कमाल की बात तो ये थी कि जितनी भाई की उम्र नहीं लगती, उतनी इन पर बोली लग गई। राजस्थान, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ में तगड़ी बिटबॉल छिड़ गई, लेकिन बाजी मारी पंजाब ने और 18.5 करोड़ की भारी भरकम रकम देकर सैम करन को अपनी टीम में लिया। इन्होंने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। अब क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी रकम किसी खिलाड़ी को नहीं मिली थी, इसलिए सबसे कीमती खिलाड़ी के प्राइस टैग का प्रेशर इन पर साफ दिखाई दिया। भले इन्होंने 14 मैच खेले, लेकिन रन सिर्फ 276 ही बनाए, बाकी गेंद से भी 10 विकेट निकाले, मगर वो इम्पैक्ट मिसिंग था जितना बड़ा प्राइस टैग था। परफॉर्मेंस उसकी ऑन फोर्थ थी, पंजाब पॉइंट टेबल में थर्ड आए मगर नीचे से। और इस बार आईपीएल 2024 के लिए हाल ही में हुए ऑक्शन में रिकॉर्ड बने और टूटे, इतिहास बन गया सबसे महंगे खिलाड़ी का, जहां केकेआर ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख के ह्यूज अमाउंट में खरीद लिया है। भाई साहब चांदी तो स्टार्क की हो चुकी है, लेकिन उससे ज्यादा एंटीसिपेट किया जा रहा है कि ये बंदा केकेआर को चूना लगा जाएगा और परफॉर्म भी नहीं करेगा। वैसे इनकी क्वालिटी पर कोई शक तो नहीं है, लेकिन ये प्राइस टैग का प्रेशर किसी को भी नहीं छोड़ता। तब देखना होगा कि ये इतनी बड़ी रकम को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए आईपीएल 2024 का वेट करते हैं और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।